Actor Smita Gongkar ex-Big Boss Marathi contestant hosts a reunion bash for the contestant of all the three seasons of Big Boss Marathi and friends from Big Boss Hindi. A significant chunk of Bollywood, television and Marathi industry were seen at the celebrations. Thank you so much. तुम्ही सगळेजण आलात, हिंदी मधले पण आलेत, मराठीतले आलेत, सगळे आलेत. थँक यू सो मच. हे तुमचं प्रेम खरंच मला लाभतं. हे इट फील्स व्हेरी नाईस. द होल इंटेन्शन ऑफ हॅव्हिंग दिस लिटल पार्टी टुगेदर इज, पहिला सीझन झाला आपण पार्टी केली, सेकंड सीझन झाला तेव्हा असं वाटलं की नाही पहिल्या सीझन सेकंड सीझनला बोलवून पार्टी द्यायला पाहिजे आणि त्यांना कम्फर्टेबल करायला पाहिजे. नाव थर्ड सीझन झालाय तर ऑब्व्हियसली अगेन द फर्स्ट सीझन एव्हरीबडी थिंकिंग लेट्स गेट टुगेदर आणि मीट अप द थर्ड सीझन. तर दिस इज वन बिग फॅमिली आणि आपल्या सगळ्यांमध्ये एक गोष्ट कॉमन आहे की हा जो प्रवास आहे हा फक्त आपणच अनुभवलेला आहे. थोडा हिंदी में बोलू होती क्योंकि यहाँ पे हमारे गेस्ट है हिंदी में. तो जितने यहाँ पे कंटेस्टेंट है हम सब में एक चीज कॉमन है कि हम सबने एक जर्नी जो है, जो बिग बॉस हाउस की जर्नी है, उसको एक्सपीरियंस किया है जो आम आदमी को करने के लिए नसीब में नहीं होता है. एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट जर्नी. पारुल चावला हूज हियर एंड विदाउट हर एनी ऑफ माई मैन इज हाईली पॉसिबल. इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट हर फॉर मी टू हैंडल एनीथिंग. I was in Big Boss Season 3, which was in the Hindi Big Boss, not the Marathi one. And it's very close to my heart because I was just a designer. People knew me as a good designer, but I became a household name and it completely changed my life. I became like a so famous that till today people remember me from Big Boss. I think so. It's a beautiful platform where people emote their emotions. It's a show of love, it's a show of hatred. So I enjoyed it. All the contestants of my season Big Boss, they're all of my friends. Cash is here. Cash was in season one, I think so. She was in season one, and I think so. It's a great show. I know Tuti Puti Marathi, so because I believe Kishori Sahani was there in this in Marathi Big Boss. I saw a couple of episodes, but I think so. It's a very beautiful platform that every regional thing they are having a Big Boss of every region. So I think it's very good for the channel. Nisha is my family, she's my friend, and मैं उसको जानता हूँ. उसने बहुत डिग्निफाइड से खेला है. ओके एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर द वे शी प्ले एंड भगवान करे शी शुड बी ऑलवेज हैप्पी. आई ओनली कैन विश हर वेरी गुड लक. यू गाइस डोंट नो बट आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ बिग बॉस मराठी आल्सो. आई हैव ऑलवेज वॉच्ड इट एंड ऑलवेज ट्वीटेड अबाउट इट एंड आई रियली लाइक स्मिता. स्मिता वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट क्लासी एंड वेल ड्रेस्ड पर्सन ऑफ सीजन 1. आणि मला नाही वाटत की तुझ्यापेक्षा जास्त कोणी चांगले कपडे घातले सकता सेकंड किंवा थर्ड. थँक्यू सो मच. छान कपडे घातले. यू आर व्हेरी क्लासी. थँक यू. व्हेरी नाईस. आय थिंक बोथ ऑफ देम आर रिअली गुड. दे आर बोथ इक्वल. दोन्ही धाडक आहेत, कडक आहेत, त्यामुळे काही डिफरन्स नाही. ओनली एका जाग्यात सलमान सर आहेत, एका जाग्यात महेश सर. नाही इवन वॉट हॅपन्स इज इमोशन्स आर सेम. इमोशन्स आर सेम. मूड्स आर सेम. यू गॉट टू रिॲक्ट द सेम. सो इट्स नॉट डिफरंट. इट्स द सेम थिंग. मराठी आहे, हिंदी सर. टास्क ऑल्सो एज गुड. बिग बॉस की पार्टी में लॉक अप का कैसे बोल रहा हूँ. मुझे अच्छा लग रहा है लॉक अप. कभी अभी आप कॉन्ट्रोवर्शियल मत देखो. नहीं, मुझे लगता है कि काफी फेयर है, अच्छा है. हैव यू बीन वॉचिंग इट? नॉट मच. लिटिल बिट हियर एंड देयर. फॉलोइंग इट. मुझे सोशल एक्सपेरिमेंटल शोज बहुत पसंद. इट्स या बहुत. आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर श्योर. और उधर जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं, अभी एक महीने के बाद उनको एक्चुअली लगने लगा कि वो जेल में. वो वैसे ही बिहेव कर रहे हैं. तो इट्स अ सोशल एक्सपेरिमेंट. वेरी सक्सेसफुल. वो वृंदावन पसंद था, लेकिन अभी मुझे लगता है पायल बहुत अच्छा था. अब तो मैं ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करती हूँ. मुझे खुद को नहीं पता होता कि कल क्या करना पड़ेगा. तो अभी नेक्स्ट सीजन
कि मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, लेकिन एक बात है कि अगर जाऊंगी तो पहले वाली कैश आप नहीं देखोगे जो थोड़ी सी सहमी हुई थी और थोड़ी क्लासी थी, अभी थोड़ा सा अलग ही नेचर रहेगा जो फर्स्ट सीजन में। दूसरा सीजन भी मैंने फॉलो किया तो एक क्या बोलते हैं, इट्स लाइक वी आर पार्ट ऑफ वन फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसे ये आज का इवेंट है और मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा सुशांत कुमार जी का, होकर उन्होंने इस ऐसे रियूनियन के बारे में सोचा और हम सब लोग यहाँ पे आज मिलेंगे, गप्पे हाकेंगे, पुरानी बातें होंगी घर के अंदर की बाहर की, और बहुत अच्छा लगेगा। वी आर ऑल वेरी मच एक्साइटेड टू मीट ईच अदर वंस अगेन आफ्टर, बहुत सारे लोगों को तो मैं शायद 2-2.5 साल के बाद मिलूँगा आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिग बॉस के जो मेकर्स हैं कलर्स मराठी एंडेमोन शाइन में, मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा, उन्होंने इतना ब्रिलियंट शो डिज़ाइन किया है कि ये हिंदी हो मराठी हो तेलुगू तमिल जिस लैंग्वेज में भी आप करोगे ये हिट ही होगा शो। मैं खुद वैसे फिल्म की बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरी पहली फिल्म मैंने की रेगे, उसके बाद और 3-4 फिल्म मराठी में मैंने की थी, पर जो रिकग्निशन मुझे इस शो ने दिया मैं मानता हूँ कि वो मुझे मेरी पहली जो हिट फिल्म थी सुपर हिट फिल्म थी उससे भी नहीं मिला। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा शो है, एक इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत ही मैं मानूंगा कि बहुत बहुत उपयुक्त और बहुत करेक्ट शो है, और मुझे तो बहुत लोगों ने प्यार दिया घर में मराठी में। आणि मराठी बोलायचं झालं तर बिग बॉस मराठी हा मला वाटतं महाराष्ट्र टेलिव्हिजनवरती चालणारा सगळ्यात पॉप्युलर आणि सगळ्यात मोठा शो आहे, त्यामुळे त्याच्यातनं जे तुम्हाला मिळतं आणि त्याच्यातनं एक संधी तुम्हाला मिळते, एक इमेज आपण म्हणूया माणूस म्हणून तुम्ही कसे आहात हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची एक संधी मिळते, ती एक खूप छान संधी मला मिळाली, सगळ्यांनाच आम्हाला मिळाली आणि आम्हाला सगळ्यांनाच त्याचा खूप फायदा झाला। सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू एंडेमोल शाईन कलर्स मराठी आणि सगळे बिग बॉस सेमचे मित्र मेकर्स और बहुत ही मजा आया, हम चारों ने बहुत ज्यादा मजा किया, और ये सीजन 3 जो था वो सबसे अलग इसलिए था क्योंकि हम सब की दोस्ती जो थी वो बहुत यूनिक थी, और इसलिए सीजन 3 इतना ज्यादा बड़ा हिट हुआ। वैसे तो ये मेरी पहली पार्टी है, मैं ज़्यादा पार्टी पसंद नहीं हूँ, लेकिन आज मैं शूट करके आया कि मुझे करना है, आज सबको मिलना है, क्योंकि जैसे सीज़न 3 में 17 पावरफुल पीपल थे, वैसे सीज़न 4 और सीज़न 2 दोनों सीज़न के सब लोग आने वाले हैं, सब बिग बॉस के पावरफुल पीपल, सो उनके साथ मिलना था, उनके साथ बातचीत करनी थी, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं बिग बॉस सीज़न का एक पार्ट था और एक विनर बन गया, एंड मज़ा आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। प्रेक्षकों को जो मेरे फैंस हैं उनको जो चाहिए वो मैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, और अगर उनको उनकी इजाज़त है उनको लगता है कि मैं उधर जा सकता हूँ तो यस मैं जाऊँगा, मुझे अच्छा लगेगा जाने का। एज अ होस्ट मैं जज करने वाला मतलब कौन होता हूँ क्योंकि ही इज़ अ लेजेंड एक्चुअली अदरवाइज ऑल्सो एंड बिग बॉस एज अ होस्ट ऑल्सो, बिकॉज मराठी शो जो है वो महेश सर होस्ट करते हैं और उतना ही पावरफुली करते हैं, उतना सम्मान सर करते हैं, सो रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा है, और इस सीज़न में तो वो आने वाले थे आपको मिलने के लिए शायद, लेकिन आके कुछ गड़बड़ होगी इसलिए वो आ नहीं पाए, इसलिए हम उनको फेस टू फेस देख नहीं पाए, लेकिन स्क्रीन पर जो भी देखा और इन्होंने आई एम लकी फॉर लकी फॉर दैट कि उन्होंने इस टाइम सलमान ने मेरा नाम लिया था कि जब नॉमिनेशन का टास्क था उसमें सबसे पहला सेफ होने वाला नाम मेरा था, वो सलमान सर ने खुद किया था, तो उसके लिए आई एम फीलिंग लकी और ही इज़ अ लेजेंड मैन। इसकी एक्चुअली शाम ही कुछ अलग है, बताएंगे इसकी आप जब टीवी पे देखते हो तो बिग बॉस आपको सिर्फ 17 लोग देखते हैं, लेकिन अभी आपको 50 से ज़्यादा सेलिब्रिटी यहाँ पे देखेंगे, तो दिस इज़ अ थिंग, आप इज अ फैमिली, बिग बॉस इज अ फैमिली, जब फैमिली का रीयूनियन होता है तो आपको बहुत मज़ा आता है, सो आई एम जस्ट हैविंग अ फन एंड मीटिंग एवरीवन एंड हैविंग अ चैट विद। सच कहूँ तो मैं इसको विनर की तरह देखता नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा दोस्त है पहले, तो विनर हमें बहुत हमें बहुत खुशी है कि हमारा एक दोस्त ही जो हमें जो हमारा दोस्त वहाँ बना वो विनर हो गया। It's okay, it's okay,
आज की शाम तो धमाल कर कर ही जाना है बिकॉज बहुत टाइम के बाद इतने लोग सारे सेलिब्रिटीज बिग बॉस के साथ में बिकॉज थर्ड का तो मैं गई नहीं थी और मैंने देखे लोगों को दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड दे आर वेरी फन लविंग एंड डांसिंग सो आई एम श्योर कि बहुत सारा मस्ती और डांसिंग होने वाला है और स्मिता की पार्टी हमेशा रॉकिंग होती है बिकॉज लास्ट जो हमने लास्ट टाइम किया था 2019 में राइट या सो दैट वॉज द परफेक्ट पार्टी आई हैड आई वॉज वेरी हाई बट आई वॉज हैविंग अ गुड टाइम लॉट ऑफ मेमरीज आई थिंक शिव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी आई थिंक स्मिता देन रेशमा ताई भी आई थी उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट बिकॉज एक टाइम आ गया था कि यहाँ पर मैं अपने आप को खो बैठी थी और मुझे ऐसा इमोशनली मैं ब्रेक डाउन हो गई थी सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लाइक दिस ऑल मेमरी आई थिंक एक भी मेमरी मैं भूल नहीं सकती बिग बॉस के बारे में एंड इट मेक्स मी आई डोंट नो मैं अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं और इट इज़ द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड इन माई लाइफ चैनल पर डिपेंड होता है ऑब्वियसली बींग एन इंडिविजुअल आई वुड ऑलवेज वॉन्ट कि मेरी तरफ से मैं क्या हूँ कैसी हूँ मैंने मेरी अपब्रिंगिंग कैसी है मैं कैसे दोस्तों के साथ बैठती हूँ उठती हूँ और इंडस्ट्री में जिसकी बैकग्राउंड इंडस्ट्री में कुछ नहीं है उसने अपने आप को यहाँ पे खड़ा कैसे रखा है मुझे ये अच्छा लगेगा अपने बारे में बताना और लोगों के साथ मैं कैसे डील करती हूँ कैसे बातें करती हूँ और अपने लाइफ में बिकॉज आई गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे एवरी मिनट इन माई लाइफ तो मेरे लिए वो बहुत एक्सपीरियंस अमेजिंग होता है बिकॉज आई लव टू बी लाइक दैट सो हाँ अगर आया तो ऑब्वियसली आई बी इम्पोर्टेंट बट आई डोंट थिंक सो बिकॉज मुझे बिग बॉस ऑलरेडी खेलने आता है दे विल नॉट टेक द सेम मैटर्स आई डोंट नो सो आपको ये पता है मैं लॉकअप में थी ओके सो आई डोंट केयर आई वॉज इन अ लॉकअप व्हाटएवर वो रिजल्ट मिल जाएगा लोगों को आई डोंट केयर बिकॉज आई नो आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम ट्रूथ टू माई सेल्फ अगर मैं अपने आप से सच हूँ तो मुझे कोई नहीं गिला सकता सो और जो लॉकअप चल रहा है इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ड्रामेदार लॉकअप है जो कि मैं भी थी तब मेरे लाइफ में भी वो एक लॉकअप इसलिए मिले बहुत ड्रामेदार बन चुका था सो आई थिंक मुझे रियलिटी लॉकअप जो इसका लॉकअप है मुझे मुनावर ज़्यादा पसंद है एंड आई एम लाइकिंग जो हिसाब से उसका क्रिएटिव है जो चीज़ें कर रहा है उसको लिटरली फन में भी ले रहा है क्योंकि लॉकअप में यू कैन हैव फन यू कैन डांस यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स सो आई हैव ऑल्सो डन फ्यू थिंग्स इन माई रियल लॉकअप सो आई नो कि वॉट इज मुनावर डूइंग इज डूइंग द बेस्ट आई डोंट नो माई बेस्ट विश इज ओनली टू मुनावर यार बिग बॉस वालों की पार्टी है तो ये तो बहुत यू नो इंटरेस्टेड होते हैं सुनने में बट आई एम नॉट टेकिंग इट एज अ बिग बॉस वाली पार्टी आई जस्ट चल रहा हूँ दैट्स इट कोई ऐसा दो जिससे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये हिंदी मराठी काफ़ी जन है यहाँ पे ओके यार मराठी बिग बॉस में आई नो आदेश रीना दैट्स इट और किसी को ज़्यादा नहीं जानता बट अगर कोई हिंदी वाला आता तो श्लेच्छी में भी किसी को जानता शो की मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह का आपके आपको प्यार मिला है शो में क्या कुछ कहना चाहोगे अपने फैंस यार मज़ा आ रहा है यार करने में कुछ नई चीज़ करने को मिल रही है आगे कुछ डिफरेंट चीज़ें आने वाली है जो मुझे एज एन एक्टर करने में बहुत मज़ा आने वाला है तो मैं एक्साइटेड फॉर दैट रीमेंट देन यार मुझे पहले मेरे थॉट्स ऐसे थे कि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी बट सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद बोथ ऑफ देम एंड दे आर वेरी वेलकमिंग एंड वेरी स्वीट विद एवरीबॉडी एक्चुअली हम तीनों के साथ में शूट करने में बहुत मज़ा आया ओके यार अबाउट जैन ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड यू नो ही इज़ वेरी ही विल गिव यू दैट वाइब कि आप एक कंफर्टेबल हो जाओगे उस केस सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट डेफिनेटली बाकायदा शानदार पार्टी है और मैं तो ऐसे ही जैसे बिग बॉस में फर्स्ट सीजन में मराठी फर्स्ट सीजन में था जैसा सिंपल था वैसे आज भी हूँ अपना काम है लोगों को हंसाना और कॉमेडी करके लोगों के होठों पे मुस्कान लाना तो बिग बॉस के घर में मुझे उसी के लिए भेजा गया था मुझे पूछा गया था कि आप घर में जाके क्या करोगे तो मैंने बोला था कि घर को हंसता खेलता रखूँगा तो वैसे मैंने किया वहाँ पे बहुत मज़ा आया फाइट भी बहुत हुआ
हालांकि हर बिग बॉस में होता है, फाइट होता है, हंसी मजाक चलता है, इमोशंस होते हैं, सब कुछ होता है, ड्रामा होता है। जैसे हमारे बिग बॉस में था फर्स्ट सीजन में, और हिंदी में भी चलता है, तो बहुत मज़ा आया फर्स्ट सीज़न में। बाकी सीज़न भी मैंने फॉलो किए, और आज ये पार्टी में बहुत सारे लोग आए, और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा स्मिता को। स्मिता गोंदकर मेरे साथ फर्स्ट बिग बॉस में थी, सुशांत था मेरा, सुशांत शेलार, हम लोग की काफ़ी अच्छी दोस्ती रही वहाँ पे, और यहाँ पे आया, आप सबसे मिला हूँ, सो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। पिछले दो सालों से हम मिले नहीं थे, एंड स्मिता की ये पार्टी, जब भी उसे ये पार्टी थ्रो करनी होती है, शी ऑलवेज फर्स्ट आस्क अस कि तुम लोगों की डेट्स है क्या, मिलना है एंड ऑल दैट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पार्टी हमारी पिछले साल ही होने वाली थी, जब बिग बॉस मराठी सीजन 2-3 का ग्रैंड फिनाले होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। सो फाइनली आज वो पार्टी हो रही है। मैं आते वक्त रास्ते में इतनी ज़्यादा खुश थी, मैं लिटरली गाड़ी में अकेले ही म्यूज़िक लगा के डांस कर रही थी, बिकॉज आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड कि मैं सबसे मिलूंगी इतने दिनों बाद। आते ही मुझे मेरे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स मिलने लगे, हालांकि बीच बीच में मैं उन सब से मिलती रहती हूँ, सबके टच में रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि यू नो मिले ही नहीं है कई सालों से। अफकोर्स मिलते जुलते हैं, बट एक साथ मिलना वो हो नहीं पाता, एंड थैंक्स टू स्मिता की, बिकॉज ऑफ स्मिता ये इनिशिएटिव हर साल लेती है, वी आर एबल टू कैच अप। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सो मच फन। मैं सच में इतना ज़्यादा मिस कर रही थी सबको एक साथ मिलना, एंड टुडे वी ऑल आर हियर, सो आई एम सुपर हैप्पी। आई सी इट वेल, जस्ट कम हियर, सो आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर द पार्टी टू गेट स्टार्टेड, बट आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज वहाँ ना, बट आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज अमेजिंग, एंड थैंक्स टू स्मिता फॉर ब्रिंगिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर। एंड आई नो कि दो साल से हम लोग पैंडमिक की वजह से मिल नहीं पाए, रियूनियन हो नहीं पाया, सो आई थिंक दिस वॉज अ वेरी नीडेड रियूनियन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बहुत गाला टाइम होने वाला है शो। एक्चुअली मेरे सीजन के लाइक द हिंदी बिग बॉस के सिर्फ मेगा जी यहाँ है, सो आई एम मिसिंग एवरी वन ऑफ देम। आई थिंक सौरभ इज गोइंग टू कम, आई हर्ड सो, बट या आई एम वेरी क्लोज टू शिव, श्रीशांत वाइफ, सो आई एम मिसिंग देम मोर। एंड बिग बॉस में तो मेरा जर्नी बहुत शॉर्ट रहा, तो उसके बाद हमारे इतने सारे मेमोरीज बन गए, तो वो मिस ज़्यादा था। और वे आया दिल रुसिया, आपने देखा दिल रुसिया, तो जो आपने नहीं देखा अभी तक, 1 करोड़ व्यूज हो गए, आई एम सो ओवरवेल्म्ड, प्लीज शो मोर लव टू इट, एंड बहुत जल्दी बहुत धमाकेदार सरप्राइजेस आने वाले, बट आई एम नॉट अलाउड टू से नाउ, आई हैव टू वेट। गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड रिस्पॉन्स, माय फैंस आर रियली हैप्पी, एंड दे वर वेरी हैप्पी दैट आई वेंट ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो, एंड नाउ दैट आई एम बैक दे आर रियली एक्साइटेड, बिकॉज काफ़ी सारी खबरें आ चुकी है ऑलरेडी रिगार्डिंग माई सॉन्ग्स एंड ऑल, बिफोर आई कुड से एनीथिंग माई फैंस फाउंड आउट, एंड लाइक यू नो न्यूज़ पीपल ऑल्सो गॉट टू नो। नमस्कार, आज आमच्या स्मिताची बिग बॉसची पार्टी, आणि स्मिता आमची आमच्या बिग बॉस नंबर 1 पार्टी दिली, 2 झाल्यावर 2 पहिली आणि दुसऱ्याला पार्टी दिली, आज पहिली दुसरी आणि तिसरी अशी मिळून तिघा बिग बॉस सीझनची 3 सीझनची आज मस्त पार्टी आहे, एन्जॉय करणार आहोत, धमाल करणार। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, 3 सीजन के लोग एक साथ आ रहे हैं, एक्चुअली आप सोच सकते हो कि एक बिग बॉस घर में 15 लोग कितनी मस्ती करती है, आज इंटू 3 टाइम्स होने वाला है, तो बहुत धमाल होने वाला है, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड। खूप सारे मेमरीज आहेत, हां बिग बॉस मेमरेबल आहे, आम्ही तो करायचा प्रयत्न केला, आणि मी स्मिताला खरंच थँक्यू म्हणते, इनफॅक्ट मगासपासून मी तिला शोधते कुठे मला सापडत नाही ती, तर खरंच थँक्यू म्हणायचं आहे तिला, कारण एवढी लोक एकत्र येणं नॉट अ पॉसिबल, आणि ते खरंच ती दरवर्षी करते, खूप छान वाटतं। एक चीज़ लगती है कि मराठी बिग बॉस बहुत ही कनेक्टेड है, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है,
ऐसा लगता है कि इमोशंस को सबसे नंबर वन प्रायोरिटी दिया जाता है और हिंदी में वो थोड़ा कम है लेकिन मराठी में वो ज़्यादा है. फैंस को तो मैं यही कहूँगी कि हर रियलिटी शो अपने आप में एक दिलचस्प एक शो है और मराठी बिग बॉस सच में मुझे तो एवढा वाटती चाललं आहे की हिंदीला पण खूप वेळा त्याने बीट केलं आहे. आमचे खूप सारे वीकेंड जे असे होते एपिसोड जे आम्ही हिंदीला पण बीट केले तर ऑडियन्स फक्त आणि फक्त एन्जॉय करणार आहे आणि आय एम शुअर नेक्स्ट सीझन मराठीचा अजून टफ होणार आहे. वी हॅव सेट दॅट बेंचमार्क. हां मला तर जायला खरंच आवडेल कारण कसं आहे आतमध्ये गेल्यानंतर खरंच विसरून गेलो जसं हिंदी बिग बॉस आणि मराठी बिग बॉसमध्ये काय वेगळेपण आहे असं जर मला विचारलं तर मी खरं सांगेन जसंही म्हणाली की आपण काहीतरी ठरवून आलो आहे म्हणून खेळायचं असं नाही होत ते प्रॉपर आपण जसे आहोत तसेच प्रेझेंट होतो सच्चेपण खरेपणा असतो मराठी ऑडियन्सला तेच भावतं आणि मला वाटतं हिंदी ऑडियन्स पण खूप सारं आहे ज्यांनी मराठी बिग बॉस बघितलं तर हेच वेगळेपण आहे मराठी बिग बॉस. आणि चौथ्या सीझनमध्ये जायला तर खूप मजा येणार आहे कारण जे धावून गेलेलं आहे ना काही काही गोष्टी त्या तिथे जाऊन धमाल करायचे हे आवडेल आम्हाला. स्पेशली मिलने के लिए आए हैं स्पेशली मिलने तो एक्चुअली ये एक ही मौका है जब सारे मेरे कंटेस्टेंट्स मुझे मिल जाते हैं और प्लस सीजन वन सीजन थ्री के भी काफी पार्टिसिपेंट्स मेरे दोस्त हैं तो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई. द्रुपदी देसाई मेरी सहेली है फिर बहुत सारे हैं रेशम मेरी सहेली है सीना गुंडर खुद मेरी बहुत प्यारी सहेली है तो ये सारे जन जो मेरे आज तो उनसे मिलने का बहुत एक अलग खुशी मिलती है. बिग बॉस की कोई यादें आप शेयर करना चाहते हैं? बिग बॉस की यादें तो बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला मेरी जर्नी है और मेरी बहुत एक यादगार जर्नी रही एंड काफ़ी कुछ ऊंच नीच हुआ काफ़ी कुछ मैं रोई भी मैं हंसी भी मैं डांस भी किया तो ये जो एक एक मूड स्विंग्स थे वो उस बिग बॉस की खासियत है कि आप 24 घंटा सातों दिन आपका दिमाग इतना चल रहा होता है ऑल 100 डेज इतना अलर्टनेस तो हम आज जिंदगी में नहीं रखते दिमाग का जो अलर्टनेस है मुझे लगता है आज वो मुझे काम आता है. मुझे 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 ऐसा लगता है कि जो भी कंटेस्टेंट थे तो मराठी वाले ना थोड़ा ज़्यादा नखरा करते थे और मुझे ज़्यादा प्यार जो मिला वो हिंदी में मिला जो कि एज ए कॉन्टेस्टेंट जैसे भी राखी आई तो उसने मुझे दादा बोल दिया तो करण ने भी दादा बोल दिया जो भी लड़कियाँ थी अंदर और जो भी जेंट्स थे वो सब मुझे दादा ही बुलाती थी. इधर नखरे बहुत ज़्यादा करते थे मराठी वाले. हाँ उसको पता उनको पता चल गया है कि अभी मराठी का स्टार कौन है मराठी इंडस्ट्री में स्टार कौन है कौन है. नहीं मुझे निशांत ने कॉल किया था कि शमिता का बर्थडे है लेकिन उस दिन मैं सांगली में था तो सांगली से मुंबई में आना और एक दो चार घंटे में नहीं हो सकता था और एक रिलेशन जो अच्छे बने क्योंकि शमिता के और मेरे कुछ दंगे भी हो गए थे ना तो मैं बोला कि नहीं जाना है मुझे चलो. लेकिन सुनीता जो है ना अपनी ये पहली लेडी है जिसको पता था कि मैं बिग बॉस मराठी में आ रहा हूँ तो उसने मुझे बोला था कि आप बहुत ज़्यादा स्टार बनोगे और गुल खिलाओगे और मैंने खिला दिए. तो ऐसा लगता है कि वो जो बायस्ड रिजल्ट है उसका जब मैं बोला कि वो शमिता को जिताना चाहते थे मैंने बोला आपको पता होगा कि अपना स्टेट मीडिया जो है जो भी अपने चैनल है उस पर मैंने बात की थी तो जैसे ही मैंने मेरे दिल खोल के बातें की कि क्या
उधर पंगा हुआ था सलमान का और मेरा, वो ये सब, तो उन्होंने ये बायस कर दिया कि महाराष्ट्र की लड़की जीते। पहले तो वो शमिता को जिताना चाहते थे, वो मुझे पता है, और उसने जाके प्रतीक को भी नहीं जिताया, करण को भी नहीं जिताया। अगर देखा जाए तो करण भी डिजर्विंग था और प्रतीक भी डिजर्विंग था, क्योंकि पूरे 100 दिन उन्होंने निकाले थे अच्छे से, और एज अ इंसान वो बहुत अच्छे है दोनों भी, करण और ये प्रतीक। ऐसे तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, तो इंडस्ट्री में ये रहना है, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी फिल्म लेके आ रहा हूँ, आपको तो पता ही है। अभी उसका हीरोइन का नाम मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा वो कवर करके रखेंगे, रैप करके रखेंगे। करूँगा, हिंदी फिल्म करूँगा, लेकिन आज थोड़ा सा डर गया हूँ मैं सुबह। आपको पता होगा कि सब चैनल पर एक न्यूज़ चल रही है कि भाई ये चौथी लाट आने वाली है, ये वेव आने वाली है चौथी, तो थोड़ा सा सहम गया हूँ मैं। वो दिखाई भी देता है मुझे, क्या भाई ये लोग हमको मरवा देंगे क्या, ये जो हमारी जो कि फर्से से लेके हाथ तक जो लोग रहते हैं यहाँ, मर जाएंगे यार, काम नहीं मिलेगा किसी को। पता है 2 साल से हम क्वारंटाइन थे, अगर ये महाराष्ट्र शासन या ये कोई अपना पूरा जो केंद्र सरकार जो है, अगर ये व्योग का नाटक करेगा ना, तो सब मर जाएंगे यार। लाइक आई टोल्ड लास्ट टाइम ऑल्सो दैट यू आर सच ग्रेट पीपल एंड योर टीम स्पेशली यू आर देयर, तो फिर और क्या चाहिए। कीप कमिंग, इट्स आवर प्लेस, गेट योर BPM राइट एंड कीप कमिंग ओवर हियर। Thanks to our media people, they are always here for us. It was a good coverage for launch event also. It has a good buzz. Hopefully we create more buzz and keep rocking and keep partying. हमारे शेफ्स ने कुछ स्पेशल फूड बनाया है हमारे सारे कंटेस्टेंट्स और सारे एक्स बिग बॉस के लिए, सो दैट दे फील गुड अबाउट इट एंड दे कीप कमिंग ओवर हियर वंस अगेन। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।